आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाना क्षेत्र के घमंडी मोड़ के समीप बगीचा से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से हथियार बनाने का सामान, चार देसी कट्टा और एक बाइक बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान बरौली थाना के पिपरहिया गांव निवासी स्वर्गीय नसरुल्लाह के बेटा हैदर अली, सिवान जिले के जामो थाना के बिशुनपुरा गांव निवासी स्वर्गीय रामनारायण शर्मा का बेटा कमल शर्मा, तरवारा थाना के हरिहरपुर गांव निवासी स्वर्गीय रामनारायण शर्मा का बेटा विजय कुमार शामिल हैं। आपको बताते चले कि एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा ऑर्गेनाइज क्राइम गठित अपराध पर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए माजागढ़ थाना क्षेत्र के घमंडी मोड़ के समीप बगीचा से मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें चार देसी कट्टा और अवैध हथियार बनाने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं। इनमें तीन अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से हथियार के साथ निर्मित वायरल तीन की संख्या में बरामद किया गया है। कट्टा के बट में लगाने वाला लोहे का मुठिया, लोहे का हथौड़ा, हेक्सा ब्लेड, लोहे का रेती छेनी पेशकश बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ किया गया है हथियार बनाने के बाद ये कहां सप्लाई कर रहे थे और रॉ मटेरियल कहां से लाए रहे थे। इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए सदर एसडीपीओ दो अभय रंजन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर और भी जो लोग शामिल हैं उनकी जाँच की जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम संगठित अपराध पर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए मानछागढ़ थाना अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जिसमें चार देसी कट्टा और अवैध हथियार बनाने की जो कई सारी सामग्री है उसको बरामद किया है। इसमें तीन अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जो मिनी गन फैक्ट्री संचालित कर रहे थे, और इन अपराधियों के पास से चार देसी कट्टा के अलावे अर्धनिर्मित बैरल तीन की संख्या में बरामद की गई है। कट्टा के बट में लगने वाला लोहे का मुठिया और लोहे का बना हुआ 22 एक लोहे का हथौड़ा, हेक्सा ब्लेड, लोहे की सरसी, लोहे की रेती, लोहे का छेनी, पेचकस संबंधी जो भी सामान लगता है वो काफी सारे भारी संख्या में बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ भी की गई है कि ये किन लोगों को हथियार बनाने के बाद सप्लाई कर रहे थे और रॉ मटेरियल कहाँ से सप्लाई हो रहा था। इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए भी सदर टू एसडीपीओ के नेतृत्व में एक अलग से टीम का गठन किया गया है। इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए और भी जो लोग इस चेन में शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसमें हैदर अली है जो थाना बरौली का रहने वाला, इसमें जो दो अपराधी हैं कमल शर्मा और विजय शर्मा ये जिला सिवान के रहने वाले हैं, तरवारा के थाना, तरवारा थाना जामो के। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसमें पुलिस और भी खंगाल रही है, समय समय पर आपको अपडेट करते रहा जाए। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के भीतभेरवा गांव स्थित किराए के मकान में रह रहे 12 साइबर गिरोह के सदस्यों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, सिम, एटीएम और पासबुक बरामद किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए साइबर गिरोह प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से साइबर आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे। आपको बताते चले कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर गिरोह के कुछ सदस्य सक्रिय हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गठित टीम द्वारा नगर थाना क्षेत्र के भीतभेरवा गांव स्थित बिक्की गुप्ता के किराए के घर पर छापेमारी कर ऑनलाइन गेमिंग एवं स्कैम कर भोले भाले लोगों को ठगने वाले 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, तथा 7 लैपटॉप, 42 मोबाइल, 75 सिम कार्ड एवं 16 एटीएम कार्ड, पासबुक इत्यादि बरामद किया गया है, जिस संबंध में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान यूपी के गाजीपुर जिला के शिवम सिंह, सत्येंद्र पटेल, रामदत्त कुमार, ओम नारायण यादव, प्रशांत सिंह, गौश अहमद, राहुल शर्मा, अभिषेक यादव, गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाना के कपूर चंद्रा राम, पंकज कुमार शर्मा, बबलू कुमार शामिल है। गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और कुल 12 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इन साइबर अपराधियों के पास से कुल 7 लैपटॉप, 42 मोबाइल और 5 लैपटॉप के चार्जर और 17 मोबाइल के चार्जर, साथ ही साथ 75 सिम कार्ड और 16 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं।
और ये जो अपराधी हैं ये अलग अलग जिले और अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिनों से ऑपरेट कर रहा था। इसमें से 6 से 7 अपराधी जो हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं और कुछ हमारे जिले के भी रहने वाले हैं, कुछ अपराधी जो है पश्चिम चंपारण जिले के भी रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है जिसको खंगाला जा रहा है। इन अपराधियों से पुलिस ने गहन पूछताछ की है और इन अपराधियों ने बताया है कि ये ऑनलाइन गेमिंग जो महादेवा गेमिंग ऐप है जो भारत देश में बैन किया गया है, इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के थ्रू स्कैम कर भोले भाले लोगों को ठगते थे, उनका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराते थे। और इसमें और भी अनुसंधान जारी है, साइबर थाना को भी इसमें लगाया गया है ताकि इनके जो अकाउंट्स है उसको खंगाला जाए और उसको हम लोग सीज करा के इसमें आगे की कार्रवाई भी जारी रखेंगे। कितने मेंबर्स थे इसमें? इसमें अभी तक कुल 12 लोगों को तत्काल मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छापेमारी के बाद ये जो अपराधी हैं छापेमारी के क्रम में साक्ष्य मिटाने के लिए जो लैपटॉप से उसके साथ तोड़फोड़ भी किया है और कुछ 5 लैपटॉप को स्क्रीन को तोड़ दिया गया है। परंतु हम लोग ये सभी लैपटॉप और मोबाइल और सिम कार्ड और जो भी बरामद किए गए सामान है इसको हम लोग फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन के लिए फॉरेंसिक की टीम से भी संपर्क स्थापित किया गया है ताकि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कलेक्ट किया सके ताकि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कब से चल रही थी? इनसे पूछताछ किया गया, ये करीब 2 महीने से ऑपरेट कर रहे थे और पुलिस को लगातार इसकी सूचना मिल रही थी। इसके लिए सदर अनुमंडल SDPO सदर और नगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इनको मौके से गिरफ्तार किया गया है और इसका वीडियोग्राफी भी की गई है जिसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। भीतबेरवा गांव है नगर थाना अंतर्गत, रविंद्र गुप्ता करके एक व्यक्ति हैं, उनके किराए के मकान में ये पूरा गिरोह संचालन किया जा रहा था। बिक्की गुप्ता पिता रविंद्र गुप्ता के घर में भीतबेरवा गांव है। साइबर गिरोह जो सर ये लोग संपत्ति अर्जित किए हैं तो क्या किसी एजेंसी को भी जांच सौंपी जाएगी? चूंकि इनका हम लोग अभी संपत्ति की जांच करवा रहे हैं और इनके अकाउंट्स का भी हम लोग खंगाल रहे हैं, जो भी अपराध से संबंधित जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको जब्त किया जाएगा। जैसा आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून भी लागू होने वाला है पूरे भारत देश में और उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्राइम से अर्जित जो धन है उसको हम लोग जो है इसके लिए माननीय न्यायालय में हम लोग। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में, संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एन इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class gates up to 10. आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने के चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज।
गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सबिया फील्ड के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियार के बल पर एक युवक से बाइक छीनने की कोशिश की, जिसके बाद बाइक सवार युवक ने अपने भाई को फोन पर जानकारी दी। सूचना पाकर पहुंचे उसके भाई को आरोपियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। जख्मी युवक की पहचान सरफुद्दीन नट के बेटा आमिर नट के रूप में की गई। आपको बताते चले कि घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि रविवार की रात जख्मी आमिर नट के भाई सिराज नट और उसका दोस्त सुगा नट बाइक पर सवार होकर अपने घर सबिया जा रहे थे। इस बीच सबिया फील्ड के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने सिराज नट को हथियार के भय दिखाकर बाइक लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उसने अपने भाई अमीर नट को फोन कर मामले की जानकारी दी। जब उसका भाई मौके पर पहुंचा तब तक आरोपी से भिड़ गए। इस दौरान आरोपियों ने एक गोली अमीर नट के पैर में मार दिया और फरार हो गए। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जख्मी आमिर नट ने बताया कि मेरा छोटा भाई सिराज नट फोन कर बाइक छीनने की बात कह रहा था, तब तक मौके पर पहुंचने वाला था, तभी उसने फोन कर बताया कि आरोपी जी अपनी बाइक और हम लोगों की बाइक छोड़कर फरार हो गए हैं। अभी जब हम लोग मौके पर मौजूद थे तभी दो बदमाश पहुंची और विवाद करते हुए गोली मार दिया और फरार हो गए। वही संदर्भ में हथुआ डीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बैताल पांडे ना हो पढ़िया के ओकरा बाद छोट भाई फोन करे हमरा के भैया कहां पर आदमी भाई जाय किया त घर त जल्दी आओ फील्ड में गाड़ी छीन ले बस हम यहाँ से दूसरा के बाइक मांग के जाते बाहरी तरफ फिर फोन करता भाई के बाइक अपन छोड़ के वो अपनों हमरो बाइक को छोड़ के सब यहाँ मोड़ के तरफ जाता से मेन रोड दल के हम थाना के खबर करनी थाना फील्ड में गई फील्ड में गईला के बाद हमारे अपन लोग पीच पे आओ सब यहाँ मोड़ के बगल में पीच पर गईनी तब तक उस सलाह दूनू करिया शॉर्ट आ करिए पैंट पहन रहा हम दू गो हम कहनी कि भाई ये वहाँ से धर 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 तो कहते साला हट जाओ साला तो गोली मार देंगे तब तक हम उतर के उससे बात गए भागने के बाद वही गोली मार दिया मारने के बाद भागने लगा हम रोड बीच रोड पर गिर गए बालू से लदी ट्रक छपरा की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही थी। इसी बीच सड़क पार कर एक महिला को बचाने के क्रम में माझागढ़ थाना क्षेत्र कोइनी गांव के समीप उच्च पथ 27 पर सड़क पुलिया के राइडर से ट्रक अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे खलासी और ड्राइवर बाल बाल बच गए। भारत सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए 3 नए कानून लागू किया गया है। जिस कानून को अच्छे तरीका से पालन हो सके, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश की आलोक में गोपालगंज से जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर के जादूपुर स्थित शंभू मैरिज हॉल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसको लेकर गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में पूरे जिले में जितना भी केस के अनुसंधान करता है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो नया कानून आया है उसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि उसे कानून को अच्छी तरीका से लागू किया जा सके। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र की एक एनआरआई महिला को मार्च महीने में लूट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तो उसमें कुख्यात नूर हसन मियां का नाम सामने आया, जिस पर पहले से भी लगभग एक दर्जन मामले गंभीर अपराध को लेकर दर्ज किए गए थे। पुलिस इसको पकड़ने के लिए तभी से अभियान चला रही थी। अब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस से गिरफ्तारी कर लिया है। इस मामले के पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी अपराधियों का इतिहास का भी पता किया जा रहा है। करीब एक महीना पहले मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत एक एनआरआई महिला के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना को उद्भेदन किया था और कुछ अपराधियों को जेल भेजा था। उसमें लूट का जो मोबाइल गया था और कुछ सामान गया था उसको बरामद भी किया गया था। इसी घटना में एक कुख्यात अपराधी जो फरार चल रहा था, नूर हसन मियाँ उर्फ खुर्शीद अंसारी, जो सिधवलिया थाना का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक चोरी का मोबाइल बरामद किया है। नूर हसन मियाँ का काफ़ी लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास रहा है। ये आदतन पेशेवर अपराधी रहा है। पहले भी 395, 392, 394 लूट डकैती हत्या जैसे कांडों में ये पहले आरोप पत्रित रहा है। इसको माननीय न्यायालय में उपचारित किया जा रहा है। कटिया प्रखंड के भेड़िया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 7 में मनरेगा के तहत जीविका भवन का सोमवार को उद्घाटन हुआ।
इसका उद्घाटन प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने फीता काट कर किया। इस जीविका भवन बनाने से 150 जीविका दीदी लाभान्वित होंगी। प्रखंड में जीविका भवन नहीं होने के कारण मीटिंग में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनका एक स्थायी कार्यालय स्थापित हो गया। प्रोग्राम पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि सोमवार को जीविका भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का निर्माण लगभग 16 लाख रूपए की लागत से कराया गया है। इसमें लगभग 150 जीविका दीदी लाभान्वित होंगी। उन्होंने बताया कि जीविका दीदी के द्वारा कई प्रकार की स्वयं सहायता संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा अपने स्तर से कुछ राशि जमा किया जाता है तथा जीविका कार्यालय के द्वारा भी इनको कुछ राशि दिया जाता है, जिससे दोनों राशि मिलाकर उनके द्वारा कोई व्यवसाय का चयन किया जाता है और उस व्यवसाय करने से उनका जीवन स्तर में सुधार होता है। इस मौके पर BPM राकेश चौधरी, मनरेगा JE अवनीश कुमार, पंचायत रोजगार सेवक अरुण कुमार, पंचायत प्रतिनिधि सहायक अरुण प्रसाद, रायदेव यादव, अच्छेलाल माझी सहित तमाम लोग मौजूद थे। कटिया प्रखंड परिसर स्थित ई किसान भवन के कैंपस में सोमवार को खरीफ महोत्सव का आयोजन किया गया। खरीफ महोत्सव का उद्घाटन प्रखंड कृषि पदाधिकारी रमन प्रसाद श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। दीप प्रज्वलित होने के बाद जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने किसानों को संबोधित किया। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सुनील तिवारी ने मृदा से जैविक कार्बन का महत्व एवं धान की खेती के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने मौसम के अनुरूप किसानों की खेती पर बल दिया। कृषि सामान्य नोडल जितेंद्र तिवारी ने प्रखंड के में किसानों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कृषि समन्वयक मैनुद्दीन अंसारी ने मृदा नम्रता लेने एवं मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। पंचदेरी प्रखंड के दुबोलिया गांव निवासी एक लड़के ने देश की कठिन परीक्षाओं में शुमार ITI जी एडवांस 2024 की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रखंड का मान बढ़ाया है। दुबोलिया गांव के श्रीराम पांडे के पौत्र एवं DN पांडे, जो UP के बलिया में डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत हैं, उनके पुत्र दिव्यांश पांडे ने अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर परिजनों सहित पूरे प्रखंड का मान बढ़ाया है। परिजनों ने बताया कि दिव्यांश पांडे बचपन से ही पढ़ने में मेधावी रहा है। उसने यूपी के कानपुर स्थित DPS विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त किया है, जबकि उसी विद्यालय के इंटरमीडिएट की परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किया है। उसने अपने प्रथम प्रयास में ही ITI के जी एडवांस 2024 की परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया रैंक 11,942 प्राप्त की है। दिव्यास पांडे की सफलता पर परिजनों में खुशी की लहर है। वहीं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने दिव्यांश एवं उनके परिजनों को बधाई दी है और दिव्यांश के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। बिहार में शिक्षकों की संस्था प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर ऑफ बिहार द्वारा आयोजित बाल मन टैलेंट हंट प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय मध्य विद्यालय कुचायकोट कन्या की 8वीं क्लास की छात्रा आशा कुमारी को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार उससे ऑडियंस च्वाइस श्रेणी में प्राप्त हुई है। विद्यालय की शिक्षक पुष्पा प्रसाद ने बताया कि प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका विषय पर बिहार के सभी जिलों के छात्र छात्राओं से प्रस्तुति आमंत्रित की गई थी। इस प्रतियोगिता में कुल 58 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति से संबंधित वीडियो साझा किए थे। निर्णायक मंडल द्वारा ऑडियंस च्वाइस श्रेणी में कुचायकोट प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा आशा कुमारी को तृतीय स्थान हासिल हुआ है। आशा कुमारी के इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार, वाल्मीकि प्रसाद, सोनम पांडे, स्मिता सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने उसे बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बैकुंठपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के दिगवा दुबोली गांव के समीप स्टेट हाईवे 90 पर हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला घायल हो गई। घायल मालती देवी को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। बैकुंठपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव में सर्पदंश की हुई घटना में एक महिला पीड़ित हो गई। पीड़ित मिथिलेश देवी के इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। बैकुंठपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के समीप हुई सड़क दुर्घटना में शंकरपुर निवासी पवन सिंह घायल हो गया। घायल पवन सिंह को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है।
आज से नई समय सारणी से जिले के विद्यालयों का संचालन होगा। भीषण गर्मी के मद्देनजर बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों की समय सारणी अब बदल दी है। अब सभी सरकारी स्कूलों 6:30 बजे सुबह से 12:10 पर दोपहर तक संचालित होंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुकूल हुए ये बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से सरकारी स्कूलों की संचालन व्यवस्था किसी हद तक शिक्षकों व छात्रों के लिए सुविधा युक्त हो जाएगी। जून महीने में विद्यालय ने पूर्व में सुबह 6 बजे से दोपहर तक स्कूल चलाने के निर्देश दिए थे, जिसमें 12 बजे तक कक्षाएं चलाने और उसके बाद शिक्षकों को 1:30 बजे दोपहर तक अन्य कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। मई व जून महीने की भीषण गर्मी में उक्त समय सारणी के स्कूल चलाने पर शिक्षक व छात्र दोनों परेशान थे। भीषण गर्मी के कारण जिले के विभिन्न प्रखंडों के कई स्कूलों में करीब दर्जन भर बच्चे बीमार हुए थे। यही हाल पूरी सूबे में रहने पर विभाग ने 8 जून तक पठन पाठन बंद करा दिया था। अब 6:30 बजे से स्कूल चलाने का नया आदेश मिलने से छात्र और शिक्षक दोनों राहत में हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।